छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के मोहन मरकाम पार्टी के हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के समापन के मौके पर सोमवार को राजनांदगांव पहुंचे और यहां पर मरकाम ने मां शीतला मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता नेता मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत में मोहन मरकाम ने कहा कि इस यात्रा के जरिए हमने राहुल गांधी का संदेश जन जन तक पहुंचाया है। इस बार पार्टी 75+ का टारगेट लेकर चल रही है। मरकाम ने कहा कि पिछली बार राजनांदगांव सीट पर रमन सिंह बोल्ट होते होते बच गए थे, लेकिन इस बार कांग्रेस विधानसभा चुनाव के साथ साथ लोकसभा चुनाव भी जीते। राजनांदगांव में समापन हो रहा है। हम लोग हर जिला मुख्यालय में जो 2 महीने तक पदयात्राएं चली है उसका समापन करने आए हैं। इन 2 महीने में माननीय राहुल गांधी जी का जो संदेश है, देश में एकता, देश में भाईचारा, देश में सामाजिक सौहार्द कैसे बनी रहे, उन्हीं मुद्दों को लेकर, और छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है, हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार की उपलब्धियों नीतियों को जन जन तक कैसे पहुंचाना, इस पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य था। आज हम लोग आए हैं और इस पदयात्रा में शामिल होंगे और आज समापन भी होगा।